YouTube Create App आपको वीडियो और शॉर्ट्स में सीधे अपने फोन से बदलाव करने की सुविधा देता है, भले ही आपके प्रोजेक्ट का आइडिया आसान हो या जटिल। ये ऐप उन्हें हकीकत में बदलने की सुविधा देता है और वो भी बिना किसी शुल्क के। आइए इस ऐप की मदद से प्रोजेक्ट बनाने और उसमें बदलाव करने का तरीका जानते हैं। YouTube Create App पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले प्लस बटन पर टैप करें। यहाँ आपको अपने डिवाइस के वीडियो और फोटो दिखेंगी। गैलरी पर टैप करके और कोई फोल्डर चुनकर अपने वीडियो और फोटो क्रम से लगाए जा सकते हैं। किसी क्लिप को इंपोर्ट करने के लिए उस पर टैप करें। इसके बाद इंपोर्ट करें पर टैप करें। वीडियो में बदलाव करने से पहले तीन बिंदु वाले मेन्यू पर टैप करें। इसके बाद एस्पेक्ट रेशियो पर टैप करके अपने प्रोजेक्ट की स्क्रीन की दिशा सेट की जा सकती है। बदलाव करने की पूरी प्रोसेस के दौरान इसमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है। YouTube क्रिएट ऐप पर वीडियो 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में और शॉर्ट्स 9:16 के एस्पेक्ट रेशियो में बनाए जा सकते हैं। आपकी तरफ से चुना जाने वाला हर फुटेज एडिटिंग टाइमलाइन वाले पैनल में जुड़ जाएगा। इस पैनल में आपको अपने वीडियो में बदलाव करने, नई क्लिप जोड़ने और अपने काम की प्रीव्यू देखने की सुविधा मिलती है। YouTube क्रिएट ऐप में आपको वीडियो एडिटिंग का पूरा सूट मिलता है, जिसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अपनी क्लिप की अवधि बदलने के लिए हैंडल को दोनों ओर खींचें। साथ ही क्लिप के दो हिस्सों में बांटने के लिए सिजर्स या कैंची आइकन पर टैप करें। यहां आपको फिल्टर, इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट टूल्स और स्पीड एडजस्टमेंट टूल की सुविधा भी मिलती है। अगर आपकी क्लिप के बैकग्राउंड में काफी शोर है तो ऑडियो में आवाज साफ तौर पर सुनाई दे, इसके लिए इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ आपको क्लिप को घुमाने, बदलने, रीअरेंज, मिटाने और उसके डुप्लीकेट बनाने जैसे कई टूल भी मिल जाएंगे। क्लिप में ट्रांजिशंस जोड़ने के लिए क्लिप के दोनों ओर पर ट्रांजिशन आइकन ढूंढें। इस आइकन पर क्लिक करने से एक मेन्यू खुलता है। इसमें अपनी पसंद के हिसाब से अलग अलग ट्रांजिशंस चुने जा सकते हैं। प्लस बटन पर टैप करके टाइमलाइन में कभी भी एक से ज्यादा क्लिप जोड़ी जा सकती है। अगर शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है तो एक मिनट के निशान पर शॉर्ट वीडियो वाला आइकन ढूंढें। इस निशान से आपको शॉर्ट वीडियो के लिए तय ज्यादा से ज्यादा अवधि पूरी होने के बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट में साउंड और वॉइस ओवर कैसे जोड़ें। प्रोजेक्ट में म्यूजिक या साउंड इफेक्ट जोड़ने के लिए सबसे पहले पक्का करें कि आपने कोई भी क्लिप न चुनी हो और फिर साउंड पर टैप करें। यहाँ आपको YouTube ऑडियो लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाता है, जहाँ से अपने वीडियो या शॉर्ट वीडियो के लिए सबसे सही साउंडट्रैक जोड़ा जा सकता है। ये साउंडट्रैक बिना किसी शुल्क के उपलब्ध हैं। साथ ही YouTube पर इस्तेमाल करने पर इनके ऊपर कॉपीराइट की शिकायत नहीं की जाती। इनका इस्तेमाल करने से कंटेंट आईडी वाला दावा नहीं किया जाता है और इनसे कमाई करने की आपकी स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ आपको कोई गाना और इफेक्ट खोजने की सुविधा मिलती है। साथ ही म्यूजिक या संगीत और साउंड इफेक्ट्स टैब्स का इस्तेमाल करके विकल्पों को ब्राउज किया जा सकता है या जॉनर के हिसाब से उन्हें फिल्टर किया जा सकता है। अगर आपके डिवाइस में अपना खुद का ऑडियो सेव है तो योर म्यूजिक या आपका संगीत टैब की मदद से उसे अपलोड किया जा सकता है। ध्यान रहे कि आपको सिर्फ उन म्यूजिक और साउंड का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके अधिकार आपके पास हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो YouTube पर प्रोजेक्ट अपलोड करते समय आपके प्रोजेक्ट पर कॉपीराइट की शिकायत आ सकती है या उसे हटाने का दावा किया जा सकता है। फाइंड बीट्स या बीट खोजें सुविधा की मदद से आपको ये जानकारी मिलेगी कि आपके ट्रैक की मुख्य बीट कहाँ है। इसका इस्तेमाल करने पर आपको एक विजुअल गाइड मिलेगी। इसकी मदद से क्लिप को अपने म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के साथ आसानी से सिंक किया जा सकता है। आपके पास अपने प्रोजेक्ट में वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने का विकल्प भी है। वॉइस ओवर जोड़ने के लिए पक्का करें कि आपने कोई भी क्लिप न चुनी हो और फिर वॉइस ओवर पर टैप करें। ऐसा करने पर आपको एक रिकॉर्ड बटन दिखेगा। अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड बटन पर टैप करें। रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए इस बटन पर दोबारा टैप करें। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद डन या हो गया पर टैप करें। प्रोजेक्ट में जोड़े गए म्यूजिक, साउंड और वॉइस ओवर आपको टाइमलाइन में अपने फुटेज के नीचे दिखेंगे। ऑडियो क्लिप पर टैप करने पर
क्लिप के दोनों ओर पर मौजूद हैंडल का इस्तेमाल करके क्लिप की समय सीमा में बदलाव किया जा सकता है। साथ ही आपको क्लिप कट करने, वॉल्यूम एडजस्ट करने, फेड इन या फेड आउट इफेक्ट इस्तेमाल करने की भी सुविधा मिलती है। आइए अब ऐसी कुछ सुविधाओं के बारे में बात करती हैं जो आपके वीडियो को बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें दिलचस्प भी बनाएगी और आपकी ऑडियंस उन्हें काफी पसंद करेगी। YouTube क्रिएट ऐप पिक्चर में पिक्चर या ओवरले की सुविधा देता है। इसकी मदद से अन्य क्लिप के ऊपर पिक्चर और वीडियो जोड़े जा सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए ओवरले पर टैप करें, अपनी पसंद की क्लिप चुनें और इंपोर्ट करें पर टैप करें। ओवरले से इंपोर्ट की गई क्लिप आपको पहले इंपोर्ट की गई क्लिप के ऊपर लेयर में दिखेगी। ग्रुप में स्टैक का ऑर्डर वही रहेगा जिस ऑर्डर में वह वीडियो या शॉर्ट वीडियो में दिखेगा। क्लिप के ऑर्डर को फिर से बदलने के लिए क्लिप स्टैक पर टैप करें। इसके बाद अपनी चुनी हुई क्लिप पर टैप करके उसकी स्थिति बदलने के लिए उसे ड्रैग करें। प्रोजेक्ट की प्रीव्यू में क्लिप को पिंच किया जा सकता है। इससे क्लिप का साइज बदलने के साथ साथ प्रोजेक्ट में उसके दिखने की जगह में बदलाव किया जा सकता है। टेक्स्ट, स्टिकर और कैप्शन जैसी चीजें दर्शकों का ध्यान खींचने में मदद करती हैं। इनका इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। आपके पास टेक्स्ट जोड़ने के साथ साथ फॉन्ट और एनिमेशन में अपनी पसंद के मुताबिक बदलाव करने का विकल्प होता है। सर्च बार का इस्तेमाल करके सबसे सही फॉन्ट खोजें। अपने काम के खोज नतीजे देखने के लिए नतीजों को कैटेगरी और भाषा के हिसाब से फिल्टर करें। टेक्स्ट इफेक्ट्स पर जाकर पहले से डिजाइन किए हुए एनिमेटेड फॉन्ट की लाइब्रेरी से अपनी पसंद का फॉन्ट चुनें। स्टिकर में आपको आइकन, जिफ और इमोजी जैसी चीजें मिल सकती हैं। अगर आपको कैप्शन जोड़नी है तो कैप्शंस आइकन पर टैप करें। इसके बाद अपना ऑडियो सोर्स और भाषा चुनें, फिर जनरेट करें पर टैप करें। कैप्शन ट्रैक को टाइमलाइन से अपने आप जोड़ दिया जाएगा। आपके पास क्लिप पर टैप करके और स्टाइल चुनकर फॉन्ट और एनिमेशन में अपनी पसंद के मुताबिक बदलाव करने का विकल्प भी मौजूद है। अगर आपने प्रोजेक्ट में सभी बदलाव कर लिए हैं और आप उसे एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो तीन बिंदु वाले मेन्यू पर टैप करें। इसके बाद एक्सपोर्ट करें पर टैप करें। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी पसंद की वीडियो क्वालिटी चुनें और फिर एक्सपोर्ट करें पर टैप करें। आपका प्रोजेक्ट अपने आप आपके डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएगा। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट होने के बाद आपके पास इसे सीधे YouTube पर अपलोड करने या शेयर करने का विकल्प होगा। अगली बार YouTube क्रिएट ऐप खोलने पर आपको हाल ही में किए गए प्रोजेक्ट दिखेंगे जिनमें कभी भी बदलाव किया जा सकता है। किसी प्रोजेक्ट का नाम बदलने, उसका डुप्लीकेट बनाने या मिटाने के लिए टाइटल के बगल में तीन बिंदु वाले मेन्यू पर टैप करें। प्लस निशान पर क्लिक करके नए प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी पाने और ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।